Morning, student. How are you all? I hope you all are well and good at your home. Stay home, stay safe. My name is Shruti Patel and I am from Capital Modern School. Student, today we will learn in EVA subject chapter number 10. Aaj hum EVA subject ka 10th chapter padhenge. So I request to all student to open your all-in-one semester 1 textbook. So on the page number 146, your 10th chapter is given. So what is the name of the chapter? Safety rules. जो रूल्स हम सेफ्टी के लिए जो है फॉलो करते हैं उसके रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे डू यू रिमेम्बर में क्या है, पुट अक्रॉस अ प्लेस वेर यू शुड नॉट प्ले. आप कौन कौन सी प्लेस पे नहीं खेल सकते हो वहाँ पे आपको क्रॉस करना है. जैसे गार्डन, गार्डन में तो हम खेल सकते हैं. देन ट्रैफिक रोड पे, तो रोड पे हम नहीं खेल सकते हैं इसलिए क्रॉस आएगा. देन किचन, किचन में भी हम नहीं खेल सकते हैं. एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड जो होता है वहाँ पे हम खेल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अस टू टेक ऑफ केयर ऑफ अवर सेफ्टी. सो हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम हमारी सेफ्टी सलामती का ध्यान रखें. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म. सेफ्टी का मतलब क्या होता है, अपना नुकसान करने से बचना. वी शुड फॉलो अ सर्टेन रूल्स टू सेफ स्टे सेफ. हमें सेफ रहने के लिए कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. दिस रूल आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. और वो रूल्स को क्या कहा जाता है, सेफ्टी रूल्स कहा जाता है. सेफ्टी रूल्स इन अ डिफरेंट प्लेसेस. देर आर अ वेरियस सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो अ डिफरेंट प्लेसेस. हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए. सो पहला क्या है, सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पे क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ. जो फुटपाथ रोड की साइड पे बनाया होता है उसी पे हमें चलना चाहिए. ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस. द जेब्रा क्रॉसिंग इज ब्लैक एंड वाइट लाइन मार्क ऑन द रोड. सो जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस कीजिए. और जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, सो जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स जो है वो रोड के ऊपर बने होते हैं उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. ओके, नाउ नेवर रन और अ प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए ना ही दौड़ना चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. हमें ट्रैफिक लाइट जो है वो फॉलो करनी है, जैसे कि स्टॉप, वेट एंड गो. ओके, नाउ सेफ्टी इन अ बस. स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर द बस. जब भी आप बस के लिए राह देखते हो तो आपको लाइन में खड़े रहना है. डू नॉट गेट ऑन और ऑफ मूविंग बस. चालू बस में हमें चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए. नेवर पुट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. चलती बस में कभी भी हमारे शरीर के भाग को विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए. नाउ सेफ्टी एट होम. होम में आपको घर में क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, सीजर एंड ब्लेड्स. कभी भी नाइफ, चाकू, सीजर और ब्लेड से खेलना नहीं चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और स्विचेज विथ अ वेट हैंड. तो जब हमारे गीले हाथ होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को कभी नहीं पकड़ना चाहिए. ऐसा करोगे तो आपको करंट लगने का चांसेस है. डू नॉट गो नियर अ फायर और अ प्ले विथ अ मैच स्टिक. कभी भी आग के नज़दीक नहीं जाना चाहिए ना ही आप लोगों को मैच बॉक्स जो होता है उससे खेलना चाहिए. नेवर टेक माई मेडिसिन विदाउट नेवर टेक एनी मेडिसिन विदाउट पेरेंट्स गाइडेंस. तो मम्मी पापा की अनुमति के बिना कभी भी कोई दवाई नहीं खानी चाहिए. तो ये सारे रूल्स जो है वो सेफ्टी रूल्स घर के लिए हो गए. अब हम सेफ्टी रूल्स जो है स्कूल के लिए पढ़ेंगे. नेवर रन और पुश ईच अदर ऑन और नियर द स्टेयर्स. कभी भी दादर पे चढ़ते या उतरते समय किसी को भी धक्का देना नहीं चाहिए. नेवर स्टैंड ऑन अ डेस्क इन अ क्लासरूम. क्लासरूम में कभी भी बेंच के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए.
While moving from the classroom to the playground, always walk in a line. जब भी आप क्लासरूम से प्लेग्राउंड जाते हो तो लाइन से जाना चाहिए. Do not throw objects such as piece of chalk, paper balls and pencils at each other. कभी भी एक दूसरे के ऊपर चौक के टुकड़े, पेपर का बॉल या पेंसिल नहीं फेंकनी चाहिए. तो ये हो गए हमारे स्कूल के सेफ्टी रूल. Now सेफ्टी रूल टू अ प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड द स्विंग. कभी भी कोई झूला झूल रहा है, स्विंगिंग कर रहा है, तो उसके आगे या पीछे नहीं खड़ा होना है. नेवर पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग. जब भी आप खेलते हो तो एक दूसरे को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए, धक्का देना नहीं चाहिए. ऑलवेज वेट टू योर टर्न वाइल प्लेइंग. जब भी आप खेलते हो, जब तक आपकी बारी नहीं आती है तब तक आपको खड़े रहना चाहिए. ओके, नाउ टाइम टू आंसर ट्रू फॉल्स. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन अ रोड. हमें हमेशा रोड पे चलना चाहिए. तो यहां पे आएगा फॉल्स. वी शुड नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग. तो यहां पे क्या आएगा, ट्रू. आप ट्रू भी लिख सकते हो. देन वी शुड गेट ऑन और ऑफ द मूविंग बस. तो यहां पे आएगा फॉल्स. Playing with a matchstick is safe for us. False. We should throw objects to each other. False. Zebra crossing has three colors. False. Two colors होते हैं, right? Now next page. Some general safety rules. General safety rule कौन कौन से है? Never talk to a stranger or take things from them. कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उससे कोई चीज लेनी चाहिए. ओके, Never tease animals. They may attack you. कभी भी जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, वो शायद आपके ऊपर हमला कर देगा और आपको हार्म पहुंचाएगा. Always ask your parents or elders before going out. चुपले. जब भी आप बाहर खेलने जाते हो, अपने मम्मी पापा या आपके घर घर के जो बड़े होते हैं उनकी परमिशन लेके जाना है. ओके, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, एल्डर्स और अ टीचर इमीडिएटली इफ यू गेट हर्ट. अगर आपको खेल के दौरान या क्लास के दौरान कोई चोट लग जाती है तो आपके टीचर, आपके बड़े या आपके पेरेंट्स को आपको बताना रहता है. ओके, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस शुड और शुड नॉट से. ओके, वी शुड नॉट आएगा यहाँ पे. क्या आएगा, वी शुड नॉट tease animals. Then we should inform our parents if we get hurt. We should not talk to take something from stranger. Okay, then we should ask our parents before going out to प्ले. सो हमने यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल स्कूल के, घर के, देन जनरल, देन रोड पे और बस में ट्रैवलिंग के भी सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा. ओके, नाउ लेट्स टाइम टू प्रैक्टिस टिक द करेक्ट आंसर. सो यू शुड नॉट प्ले ऑन अ रोड. यहाँ पे शुड नॉट पे आएगा. यू शुड वॉक इन अ लाइन आएगा. ओके, इफ यू आर केयरलेस यू माइट गेट हर्ट. ऑलवेज लीन आउट ऑफ मूविंग बस. सो यहाँ पे ऑलवेज की जगह पे आएगा नेवर. कभी भी चलती बस से उतरना नहीं चाहिए. देन ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स वाइल गोइंग आउट टू प्ले. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. नेवर रन ऑन अ रोड्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रीन स्टार और जो करेक्ट आंसर है उसमें ग्रीन स्टार करने हैं और रॉन्ग आंसर है उसमें जो है क्या करना है, रेड स्टार करना है. ओके, नेवर रन ऑन अ रोड. तो ये अच्छी बात है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्टार करना है. ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न. तो ये भी गुड मैनर्स है, तो यहाँ पे भी आपको ग्रीन स्टार करना है. प्लेइंग विथ अ मैच स्टिक इज मैच बॉक्स इज अ गुड हैबिट. तो यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे रेड स्टार करना है आपको. नेवर टीज एनी
एनिमल्स, सो दिस इज अ गुड हैबिट्स। तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्टार करना है। रन फास्ट इन अ स्कूल कॉरिडोर टू रीच अ क्लासरूम, तो ये हो गई बेड मैनर्स, तो यहाँ पे रेड स्टार करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट में क्या है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म, तो क्या आएगा? सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट विथ वेट हैंड। वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। वी शुड ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। सो यहाँ पे हमारा ये 10th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ए बी और सी आपकी नोटबुक ईवीएस की नोटबुक में कंप्लीट करना है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा सेमिस्टर 1 का ईवीएस का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।